माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोटिया भाई जी। तो गाइज अभी मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट चमोली के बिग हाइस्ट एप्पल फार्म दौलत एप्पल फार्म लंपक मल्लारी में। ये है भाई कुछ इस तरह से व्यू भाई एप्पल फार्म का। भाई देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और आप देख रहे होंगे भाई कितना टाइम लगा होगा मेरे को यहाँ पे कटिंग करने में भाई साहब। और ये देखिए भाई पूरा माउंटेन का भी व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे मेरा किचन गार्डन बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए भाई सनराइज भी धीरे धीरे आते हुए। और देखिए सेब का छटाई देखिए किस तरह से साफ सुथरा कर दिया है और नीचे भी बहुत बढ़िया सफाई हो रखी है। और जो इसे छटाई करने के बाद जो लकड़े टहने गिर जाते हैं तो भाई इस तरह से डैम्प हो चुके हैं यहाँ पे। और ये काम आ रहे हमारे खाना बनाने के लिए बहुत ही। तो गाइज यहाँ पे दिन के खाने के लिए यहाँ पे देखिए काट दिए हैं प्याज लहसुन वगैरह और आज बन रहा है स्पेशल डिश एग होम। तो गाइज आज देखते हैं दौलत एप्पल फार्म के किचन में क्या पका हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ मैं भाई साहब यहाँ पे पक रहा है एग भाई जी एग। और ये देखिए भाई वाओ क्या। और गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ मैंने दफना दिया है। क्या दफनाया है तो ये दफनाया है यहाँ पे मैंने गुलाब के टहनियाँ जो कि यहाँ पे इसके अंदर नमी बनी रहेगी और सीजन में इसको लगा देंगे हम क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी के गुलाब है। तो यहीं हम इसको प्लांट कर रहे हैं भाई साहब। मस्त ड्राई हुआ है भाई ये वाला देखिए भाई वो माई साहब। ये देखिए कड़ी पत्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है सिस्टम ओके। चावल बन के तैयार है और इसके बाद खाएंगे तो भाई दिखाऊंगा मैं किस तरह का। ये देखिए भाई सुंदर सा दृश्य ओ माय गॉड एग करी के साथ बात एंजॉय। तो गाइज यहाँ पे हैवी वर्क के साथ हैवी डाइटिंग वाला खाना भी देख रहे होंगे भाई फिनिश हो चुका है। और गाइज मलारी से 1 किलोमीटर दूर जंगल में हमने माहौल बनाया है घर वाला और फीलिंग पूरा घर वाला आ रहा है भाई साहब पूरा वो भी पहाड़ी फीलिंग। तो एग कड़ी के साथ आज चावल का आनंद लेते हुए मजा आ गया भाई जी। गाइज हमारे जो बहादुर है नेपाली बहादुर जो लगे हुए हैं अपने वर्क पे। तो भाई पूछता हूँ मैं बहादुर जी कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे गर्मी हो रही की ठंड हो रहा बढ़िया है ठंड हो रहा की गर्म हो रहा बिल्कुल ठीक है ठंडा तो है हाँ लेकिन काम करने में मस्त आ रहा है बहुत बढ़िया मजा आ रहा है ना। हाँ मजा आ रहा है काम करने में। अच्छा चलो बैठो वहाँ पे थोड़ा एक मिनट बैठ तो जाओ थोड़ा रिलैक्स करो भाई इतने जल्दीबाजी भी नहीं है काम करना। बैठ जाइए यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ा काम के टाइम में। अरे कुछ नहीं होता काम मैं करवा रहा हूँ ना काम तो भाई कोई दिक्कत मेरे होते हो टेंशन नहीं लड़ेगा। हाँ तो थोड़ा बैठ जाओ। और हमारे जो नेपाली बहादुर भाई है आप छोटा सा गाना सुनाएंगे हमको सुना दो यार बहादुर भाई एक गाना सुना दो ना मस्त इन हसीन वादियों में इसमें सांस भरे दम भरा नहीं मेरे को। तो भाई साहब हमारे बहादुर भाई काम के लिए बहुत ही खतरनाक वाले बंदे हैं खाना खाने के बाद तुरंत लग गए अपने वर्क पे। तो गाना सुनाने में शर्मा रहे हैं और जो 2 सीजन पहले वाले वीडियो में मेरे बहादुर ने गाना सुनाया था अभी शर्मा रहे हैं भाई साहब। भाई आप देख रहे होंगे ये पौधा है और ये है ड्राई फ्रूट का किंग। तो आप कमेंट में जरूर बताइए इस पौधे का नाम क्या है भाई और जो इस पौधे का नाम बताएगा उसको इससे होने वाला जो फ्रूट होगा उसको गिफ्ट मेरे तरफ से। तो प्लीज़ कमेंट ड्राई फ्रूट का किंग। और यहाँ पे मैंने 10-15 पेड़ लगाए हुए हैं बहुत ही अभी छोटे साइज में। तो इस तरह से हैं भाई ये बहुत सारे इधर लगा रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे बहादुर भी लगाया है वर्किंग पे। यहाँ पे मेरा प्रोफेशनल वर्क जैसे कि आप देख रहे होंगे दौलत एप्पल फार्म में अभी फिलहाल सीजन चल रहा है छटाई करने के लिए। और छटाई करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं तो वह आपको दिखाता हूँ मैं लेट्स गो। गाइज मेरा अभी चल रहा है छटाई का वर्क तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं तो किस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ। तो भाई यह है मेरा इक्विपमेंट ये सारे सिस्टम यहाँ पे रखे हुए हैं तो इन्हीं के थ्रू मैंने सारा पेड़ों को छटाई करा था भाई। ये इलेक्ट्रिक कटर मशीन है और ये देख रहे होंगे इस तरह के भाई इक्विपमेंट है मेरे पास। तो भाई ये चीज़ होने ज़रूरी है अगर प्रोफेशनली वर्क आप कर रहे हो इस क्षेत्र में तो भाई ये सारे इक्विपमेंट आपके पास होने ज़रूरी है। और सबसे ख़तरनाक औजार तो भाई साहब ये वाला है देख रहे होंगे आप इसके ब्लेड में 1 सेकंड में कर देता है कमाल।
तो गाइज हमारे फार्म में यहाँ पे देख रहे होंगे सौंफ का जो पेड़ है एकदम सूख चुका है और अभी इस पे कुछ लगे हुए हैं। सौंफ सीजन में निकालना हम भूल गए थे, तो आपको दिखा देता हूँ भाई साहब। ये देखिए भाई, ये देखिए ये है भाई यहाँ का लोकल सौंफ। और भाई 1-2 किलो हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं तो यहाँ पे 1-2 पेड़ छूट गए थे। तो देख रहे होंगे भाई ये है सौंफ एकदम प्योर ऑर्गेनिक सौंफ भाई जी पहाड़ी। तो देखिए क्या यहाँ पे सेबों के पेड़ों की जो छटाई हो चुकी है और कुछ इस तरह से टहनियाँ यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, ये आग जलाने का काम आने वाले हैं। तो आप देख लोगे इस साइड पूरा क्लीन हो चुका है। आप धीरे धीरे मैं नीचे की ओर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे छटाई का प्रोग्राम हुआ मेरा। और गाइज आप देख लोगे ये है पोलम का बहुत बड़ा पेड़ है, यहाँ पे 10-12 पेड़ है पोलम के, लेकिन ये पेड़ को भी मैंने करना है छटाई, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा कच्चा है ये। तो जब ये फरवरी मार्च अप्रैल में फिर आऊंगा मैं यहाँ पे, तो इसका बारीकी से बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ इसका छटाई करूंगा, जिससे कि इस पर बढ़िया से पोलम होंगे भाई जबरदस्त। ये बड़े होने के कारण इस पर पोलम ठीक ठाक नहीं हो रहे हैं, कटिंग करने के बाद बहुत जबरदस्त पोलम होने वाला भाई इस पर। तो वैसे तो आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि अखरोट भी बहुत ज़्यादा झाड़ हुए हैं, लेकिन अगर अखरोट के पेड़ पे अगर लोहा लग जाता है तो अखरोट का पेड़ खराब हो जाता है, इसलिए भाई अखरोट के पेड़ में छटाई नहीं होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। और देखिए भाई यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरह से। और आप देख रहे होंगे ये वाला काला वाला पैप, और यहाँ पे नहर से पानी आता है। तो जब स्टार्टिंग में हम आ जाएंगे जून जुलाई में यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो भाई साहब आप देख रहे होंगे इस पानी से पूरे जितने भी सेब के पेड़ हैं हमारे बगीचे में, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा भाई जी। और उससे पहले एक बार पानी का छिड़काव भी कर लूँगा मैं इस बार पेड़ों पर, जिससे कि कीड़े कूड़े सब साफ हो जाएंगे भाई। ये नया फॉर्मूला अपनाया है मैंने, उसमें कोई कीटनाशक दवाई नहीं मिलाऊंगा। और ये देखिए भाई अभी मैं मिड पॉइंट पर आ चुका हूँ, क्या प्यारे लग रहे हैं भाई सेब के पेड़ भी चूना लग के, और छटाई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुले खुले जैसे लग रहे हैं भाई ये सेब के पेड़ तो भाई साहब झकास। ये देखिए भाई कुछ इस तरह का ये वाला है खट्टा पेड़, उसको भी कर दिया मैंने छटाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ देखिए भाई साहब कुछ इस तरह से, देखिए भाई एकदम चीनी की तरह। यहाँ पे धूप का किरण नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सेट हो रहा है मामला। और आप देख रहे होंगे ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे बगीचे में ज़्यादातर आपको हर खेत में यहाँ पे गड्ढे देखने को मिले होंगे, तो ये गड्ढे के इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इसमें लगने वाले हैं नए प्लांट, यानी कि नए पौधे लगेंगे इसमें सेब के, और जो नए सेब के पेड़ लगेंगे। और ये गड्ढे आप देख रहे होंगे इनके जो हाइट है लगभग 4 फीट लगभग इसकी हाइट है भाई। आप इस प्रकार से इतना गड्ढा होना जरूरी है भाई, वरना कोई गारंटी नहीं है पेड़ों का, क्योंकि 4 फीट तक इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह नहीं है, तो इसी के लेवल पे यहाँ पे नया प्लांट लगेगा, तो उसको बाद में खराब होने की वो नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख रहे होंगे भाई ये जितने भी पेड़ यहाँ देख रहे होंगे 4-5 फीट इनको गड्ढा बनाया, उसके बाद देख रहे नीचे से जड़ मजबूती से पकड़ लेता है और बाद में जल्दी खराब नहीं होते। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे जितने भी पेड़ हैं ये लगभग 15-20 साल हो चुके हैं इनको, और अभी भी देख रहे होंगे एकदम फ्रेश है भाई साहब। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे यहाँ पे दीवार के बराबर में आप देख रहे होंगे देवदार के वह हरियाली वाली पेड़ भाई साहब, ये आपको सारे बाउंड्री में देखने को मिल जाएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। कुछ सालों में ये बड़े हो जाएंगे तो भाई देवदार की जो बाउंड्री है ना भाई बहुत ही झक्कास लगने वाली है। और आप को देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमने साइड से तो लगा ही रखे हैं देवदार के सारे पेड़ ऊपर से नीचे जाने तक, और साथ में बीच बीच में खेत में इस तरह से लगाए हुए हैं भाई, ये बार के नए प्लांट हैं ये, और हर खेत में आपको देखने को मिल जाएगा भाई ये देवदार के। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन बनने वाला है कुछ सालों में, दौलत अफील फार्म भाई देवदार के से घिरा रहेगा पूरा बगीचा। और देख रहे होंगे चढ़ाई करने के बाद जो लकड़ी है आप देख रहे होंगे किस तरह से बाइसेप के ने मोटे मोटे फिनिशिंग कर रखा है भाई ने, वो भी कटर मशीन से, और छोटे छोटे जो उसको झाड़ झूड़ बाहर फेंक दिए हैं। तो ये लकड़ी आग जलाने के काम आएंगे भाई, तब तक सूख जाएंगे ये। तो नेपाली बहादुर कुछ गांव मलारी ले जाएगा और कुछ ऊपर साइड के यहीं रखेगा भाई। और गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है हमारा, तो वहाँ पे नीचे से हमारा एंट्रेंस यहाँ पे अखरोट के पेड़ देखते हुए होता है भाई, सारे पेड़ हमारे फर्स्ट में यहाँ पे अखरोट के पेड़ हैं, देखे होंगे आप। और ये देखिए भाई हमारा यहाँ पे पानी का स्रोत, लास्ट मिड पॉइंट आने तक यहाँ पे पानी का स्रोत है, पानी आने का पाइप लगा हुआ है, और भी यहाँ पे
सीजन, अभी सीज जो है पानी तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मिड पॉइंट तक हमारा यहाँ पे नहर की व्यवस्था करी हुई है और यहाँ पे लास्ट आने तक देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे पाइप के थ्रू हम यहाँ पे सिंचाई करते हैं। और यहाँ पे से दिखता है हमारा प्यारा गांव मल्लारी कुछ इस तरह से, अभी पेड़ों से नहीं दिख रहा होगा भाई जी। और तो गाइज यहाँ पे से मल्लारी से जो रोड कटी हुई है हमारी गाड़ी की, तो यहाँ पे तक तो पहुँच चुका है रोड की कटिंग। और यहाँ पे से आप देख रहे होंगे ये मस्त भरेगा गाड़ी पार्किंग। और यहाँ पे से ऊपर देख रहे होंगे भाई हमारे बगीचे का स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से ऊपर आपने देख लिया होगा इस तरह से है तो भाई। और आप देखते माउंटेन के मस्त व्यू के साथ भाई साहब, ये देखिए भाई ये है हमारे यहाँ पे गाड़ी आने का रास्ता, देखिए भाई साहब कुछ इस तरह से। यहाँ से आप देख रहे होंगे अभी थोड़ा पत्थर गिरे हुए हैं, तो कुछ ही महीनों में इसका काम भी चलने वाला है। तो ये है भाई हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे तक गाड़ी पार्किंग, आपने दिखाई दिया होगा मैंने। तो गाइस मल्लारी से कुछ इस तरह से दिखता है दौलत अपील फार्म का लोकेशन, देखिए भाई साहब ये देखिए पूरा ये वाले पोजिशन पे ये है भाई। और यहाँ से आप देख रहे होंगे सड़क देख रहे होंगे भाई साहब, ये आ चुका है और ये मिलता है यहाँ पे पुल के बगल पे जहाँ पे मैंने गोबर रखे हुए हैं, यहाँ पे है इसका एंट्रेंस रोड का। और ये है भाई मल्लारी गांव, अभी धूप चमक रही है बहुत ही जबरदस्त, मिलता हूँ आपको आगे। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ मल्लारी गाँव में और ये है यहाँ पे का नज़ारा। आप थोड़ा स्पीकर बजाते हैं एंटरटेन, गाना सुनता हूँ मैं, आपको भी दिखाता हूँ भाई स्पीकर धांसू वाला। तो गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।